अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज मैं एक ऐसी मोहज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियत से आपको तारुफ़ कराता हूँ। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं मोहम्मद जलील अहमद साहब, जिनकी उम्र अब 62 इयर्स है, उनको मैं तकरीबन 18 साल से जानता हूँ। तफसीलात यह है कि गौलीपुरा में एक कदीम मस्जिद है, मस्जिद सैयद अली, जिसको 1992 बाबरी मस्जिद के बाद जो फसाद हुआ था उसमें तकरीबन जला दिया गया था। तब से इस मस्जिद को वो आबाद रखे हुए हैं। इस इलाके में मुसलमानों की कोई आबादी नहीं है, काफ़ी दूर मुसलमानों के मकानात है, लेकिन वो शास्त्रीपुरम से कई किलोमीटर से रोज़ाना जहर असर मगरिब इशा पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मस्जिद में अकेले ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी कोई भूला भटका यहाँ पर नमाज़ में शरीक होता है, क्योंकि आबादी यहाँ पर मुसलमानों की नहीं है। लेकिन वह तन्हा अकेले साइकिल पर एक प्राइवेट स्कूल में सिक्योरिटी के फ़रज़ अंजाम देते हैं, जिनकी तनख्वाह 5-5.5 हज़ार रुपये उनको मिलती है, और वो पाबंदी से मस्जिद सैयद अली गौलीपुरे पर आके अजान देते हैं, 5 वक्त की नमाज जहर असर मगरिब इशा की नमाज अदा करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैं मोहम्मद जलील अहमद साहब, बुज़ुर्ग शख्सियत से बात करता हूँ। इस मस्जिद से आपका क्या था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मस्जिद में बचपन से इस मस्जिद में आते जाता रहता हूँ, और मैं तालीम हालात में जो कुछ पुशमंदा हालात थे, मैं यहाँ पर मुलाजमत था, भाई मियाँ साहब पेटियाँ वाले, उन्होंने मेरे को 15 रुपये तनख्वाह देते थे। मैं उस तनख्वाह में तुलते हुए उसी मोहब्बत में मैं आज तक चलाते हुए आ रहा हूँ। मस्जिद अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मौजनी करते हुए आ रहा हूँ। मस्जिद का छत भी गिर गया था, उसे अहमद पाशा खाजे साहब आए थे, देखे तफसीलात, देखे देखने के बाद मैं उसका छत इसकी मस्जिद के मुतल साहब के साहेबजादे कराए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को चला रहा हूँ। कब जलाया गया था मस्जिद को? 92 में जलाया गया था, जो फिर खबारी पर 92 में जलाया गया था। फिर उसके बाद 2012 में हसन नगर के जो हुआ था ना फसाद जी, वहाँ पर जब भी जलाया गया था। अच्छा, अब मस्जिद तो मुकम्मल बन चुकी है, और आप कितने नमाज पढ़ते हैं यहाँ पर? वहाँ पर 3-4 नमाज पढ़ता हूँ, जो कभी नाइट रहे तो नाइट रही तो मैं 4 नमाज़ा पढ़ता हूँ, अगर डे की नौकरी रही तो मैं 3 नमाज़ा तो कंपलसरी पढ़ता हूँ। अच्छा, अकेले अजान देता हूँ, झाड़ू झटका देता हूँ, करता हूँ। कभी आगे तो आते हैं जो फहीम साहब बोल के है गौलीपुरे से, उन्हें आते हैं, ये नशेमानगर से फहीम भाई बोल के आते हैं, बशीर भाई बोल के आते हैं, एक रियाज भाई, कभी आर टी सी का मुलाजिम, कभी आते नहीं, दोनों 5 मस्जिदों के सदर है, और ऐसे चंद लोग आते हैं कि नमाज पढ़ते हैं। अकेले ही नमाज़? नहीं तो मैं अकेला ही नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा सर, ठीक। आपने जलील साहब की बात सुनी, ये बंदा अल्लाह का नेक हमदर्द बंदा, जो पिछले 42 साल से इस अल्लाह के घर को आबाद रखा है। हाँ, वो ये वही मस्जिद है जहाँ पर मस्जिद के दरवाजे के पास अक्सर शरारतन कचरा डाला जाता है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो को वायरल देखा था कि इस मस्जिद के गेट के पास बला का कचरा था, ये वही मस्जिद है। चूँकि मैं इनको 18 साल से जानता हूँ, तो मैं ज़रूरी समझा कि आपके रूबरू इस मौजूद शख्सियत को पेश करूँ,
जिन्होंने एक अल्लाह को घर को गैर आबाद होने से बचाने के लिए काफ़ी दूर से शास्त्रीपुरम से प्राइवेट एक स्कूल में जॉब करते हुए अपना वक्त निकाल कर चार वक्त की नमाज यहाँ पर पढ़ने के लिए साइकिल पर सफ़र करके आते हैं। इस बुज़ुर्ग शख्सियत को आप हमेशा दुआओं में याद रखें। गौलीपुरे में सैयद अली मस्जिद में कभी आकर यहाँ पर नमाज़ अदा करें और इस बुज़ुर्ग के लिए दुआ दें और इनकी भी दुआ हासिल करें और इस मस्जिद को आबाद रखने की हमेशा कोशिश करें। मैं अबू अमल गौलीपुरे से।